साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सामने आ रही है। तमिल और मलयालम फिल्मों में अभिनय का जादू चलाने वाले जाने माने एक्टर डैनियल बालाजी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। जी हां, शुक्रवार यानी 29 मार्च को अभिनेता का 48 साल की उम्र में निधन हो गया। डैनियल बालाजी के नाम से मशहूर टीसी बालाजी के अचानक निधन से न सिर्फ फैंस बल्कि इंडस्ट्री को भी एक बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को अभिनेता का हार्ट अटैक की वजह से निधन बताया जा रहा है। दरअसल बीते दिन उन्हें अचानक चेस्ट में पेन होने लगा था और तभी उन्हें चेन्नई के कोटी वकम में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान अभिनेता ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि शनिवार को डैनियल बालाजी के शव को पुरसाई वलकम स्थित उनके आवास पर दफनाया जाएगा। डैनियल के निधन से उनके चाहने वाले काफी ज्यादा शॉक में हैं और सोशल मीडिया पर भी उनके फैंस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। डायरेक्टर मोहन राजा ने भी अभिनेता को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर कहा कि बहुत ही दुख भरी खबर है। वो मेरे लिए फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए प्रेरणा थे, बहुत अच्छे दोस्त थे और मैं उनका साथ काम करना मिस करूँगा। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। डैनियल बालाजी लंबे समय से इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। वो सिनेमा में करीब 3 दशक से थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कमल हसन की फिल्म मरुधन्यागम से की थी, जो कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। पहली फिल्म रिलीज न होने के बाद डैनियल ने टीवी की ओर अपना रुख किया और सीरियल चिट्ठी से एक नाम कमाया। इस सीरियल के बाद उनका नाम डैनियल पड़ा था। डैनियल के सेकंड सीरियल अलाईगई के डायरेक्टर सुंदर विजयन ने उन्हें सजेस्ट किया था कि वो अपना नाम डैनियल रख ले, क्योंकि चिट्ठी में उनका नाम कैरेक्टर उन्हें सूट कर रहा था। बात करें फिल्मों की तो वो अप्रैल मदाथिल, काखा काखा और वेतायाडू वेलियाडू समेत कई फिल्मों में कमल हासन, थलापति विजय और सूर्य जैसे एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं।